हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज का ये मेरा स्थापना वीडियो, जहां पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं विद दी ट्राइब्स इन इंडिया सीरीज। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है सीरीज का। अगर आपने सीरीज का पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाकर के एक बार देखिए। वहां पर मैंने इंडिया की जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो इंडिया के स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स, क्या उनकी सेंसस के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके क्या फिगर्स हैं, क्या उनके डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई स्केड्यूल ट्राइब्स। ये सारी डिस्कशन हमारी वीडियो वन में हो रखी है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट करते हैं तब जाकर के यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन ट्राइब्स। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों नॉर्थ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स को आपके साथ फटाफट डिस्कस करेंगे। बट ऐसा करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर वी आर कमिंग अप विद दिस डेली स्थापना सीरीज, जहां पर हम HPAS के प्रीलिम्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 days a week अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोज आपके सामने लेकर आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी ऑन मंडे, जनरल साइंस ऑन ट्यूसडे, ज्योग्राफी ऑन वेडनेसडे, हिस्ट्री थर्सडे, इंडियन इकोनॉमी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे को हम एनवायरनमेंट की वीडियोस आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये सीरीज को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहें, छोटी छोटी वीडियोस इनको अगर आप देखते रहें, तो आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाने वाली है रिगार्डिंग दी जीएस सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी के साथ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं और वीडियोस जो है इस चैनल के ऊपर आपको पसंद आ रही है, आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रही है, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर अच्छी लगती है तो पूरा देखने के बाद। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, बिकॉज जितनी भी चीजें हम आपके साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स इनके पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होती हैं डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो और भी जो दूसरे अपडेट्स हैं हमारे कंटेंट के अलावा रिगार्डिंग HPAS examinations, वो भी आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरली मिलती रहेंगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आज के हमारे सेशन की, आज के हमारे लेक्चर की, जिसमें ट्राइब्स इन इंडिया को, नॉर्थ इंडिया के ट्राइब्स को थोड़ा सा स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रीकैप दे देता हूं मैं आपको, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर जो टोटल स्केड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन 2011 के सेंसस में निकल कर आई थी, वहां पर 10.43 करोड़ वर द पीपल हु बिलोंग और हु आर क्लासिफाइड एज स्केड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। अब ये जो 10.5 करोड़ लोग हैं, ऑब्वियसली 2011 का सेंसस है, अब 2011 से 10 साल हम लोग आगे आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी बढ़ी होगी। कितनी बढ़ी है ये एग्जैक्ट फिगर्स आपको नए सेंसस जो है वो जब कंडक्ट होगा उसके रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन हमें इतना तो पता है कि मोर देन 10 करोड़ पीपल दे आर लिविंग इन इंडिया हु आर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इट इज अबाउट मोर देन 9% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा कि जो ज्यादातर हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये जो हम बेल्ट देख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, दिस इज द बेल्ट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र ऑल्सो वेयर मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग। ज्यादा बहुत ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 2/3 वो आपको इस रीजन में मिलती है और बाकी जो 1/3 पॉपुलेशन है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड एंड दी सदर्न स्टेट्स ऑफ आंध्रा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, वहां पर आपको मिलेगी। अब इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूटीज दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, सो ये यहां पर भी दो अलग अलग यूटीज नहीं दिखाई दे रही हैं, यहां भी तेलंगाना आपको अलग स्टेट दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने डिमार्केट नहीं किया। इसका सिंपल सा एक देखो रीजन है, जब ये सेंसस के फिगर्स कैलकुलेट हुए थे तो उस टाइम पर आंध्र प्रदेश एक सिंगल स्टेट था, तेलंगाना नहीं बना था और ना ही हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो बाइफरकेट हुआ था इनटू लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर मैंने आपको ट्राइबल पॉपुलेशन दिखाई है, इस वजह से ये 2011 का मैप है और इस मैप में काफी चेंजेस भी हो चुके हैं, नया सेंसस आने के बाद वो चेंजेस क्या थे हमें पता चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम नॉर्थ इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये हमारे 4 प्राइमरी स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। याद रखना है आपको, हरियाणा में, पंजाब में और चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी में कोई भी स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट नहीं किया गया है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात किया था कि स्केड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो सरकार के द्वारा डिमार्केट की जाती है और ऐसी कोई भी डिमार्केशन या ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं निकाली गई है।
ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन चार राज्यों में, अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख को हम अलग अलग मान लें 2011 के हिसाब से ना माने, तो यहाँ पर दो हमारी यूटीज हैं, तीन हमारे राज्य हैं। यहाँ पर हमारे प्राइमरीली ट्राइबल ग्रुप्स की अगर बात करें तो ये है वो लिस्ट, ठीक है, ये प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो नेबरिंग स्टेट्स, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, जो उत्तर प्रदेश से लगते हुए राज्य हैं, वहां पर भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं जिनको उत्तर प्रदेश में स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। यहां पर मैंने आपको ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनको लिस्ट कर दिया है। अब आपका काम क्या है एज अ स्टूडेंट जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्वेश्चंस कैसे आपको देखने को मिलेंगे? क्वेश्चंस दोस्तों हमें जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, दीज क्वेश्चंस विल बी मोस्टली ट्राइब्स से जुड़ा हुआ, जिन डायमेंशंस को टेस्ट किया जाएगा, वो डायमेंशंस आपको इन लेक्चर्स के अंदर ध्यान रखना है। डायमेंशंस क्या होने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस, ट्राइब्स कहां रहते हैं, ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको ये पूछे जाएंगे ट्राइबल ग्रुप का नाम देके कि ये किस राज्य में मिलता है, किस रीजन में मिलता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, विच इज द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री वेयर दिस ट्राइब इज फ्रॉम, राइट। तो एक प्लेस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो प्राइमरली क्वेश्चन होते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, कुछ लार्ज ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो उनसे जुड़े हुए उनकी लैंग्वेजेस, और उनके कस्टम्स, उनके जो ट्रेडिशंस हैं जिसमें उनके कस्टम्स इंक्लूडेड हैं, उनके फेस्टिवल्स इंक्लूडेड हैं, राइट, उनके कुछ डांसेस होते हैं, या फिर उनकी कुछ मार्शल आर्ट्स, या कुछ उनकी जो विजुअल परफॉर्मेंसेस होते हैं, कुछ मार्शल आर्ट्स होते हैं, ज्यादातर उनकी बात होती है। So, ये तीन dimensions आपको कवर करनी होती है। इसमें सबसे प्राइमरी है हमारा प्लेस, उसके बाद है हमारी लैंग्वेजेस, उसके बाद है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कस्टम्स की अगर हम बात करें। अब इस लेक्चर में, बिकॉज दिस लेक्चर इज फ्रॉम ज्योग्राफी, वी विल बी स्टडीइंग दीज ट्राइब्स फ्रॉम अ डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू। डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि हम उनकी प्लेसेस के ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस और कस्टम्स वाली बात है ये हमारे आर्ट एंड कल्चर उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो उसके ऊपर हमारा फोकस यहां नहीं रहेगा, ठीक है। और जो भी ट्राइब्स मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूं उनकी प्लेसेस और उनकी लैंग्वेजेस और थोड़ा बहुत अगर कस्टम्स है तो उसके बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो एक एक करके हम इन अलग अलग राज्यों में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पीडीएफ आपको इस सेशन के अवेलेबल हो जाएगी, सारी लिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी उनको पढ़ने के लिए, ताकि अगर इसमें से किसी भी ट्राइब के स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर फटाफट आंसर कर दे। लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द गुजर्स और बकरवाल्स। अलग अलग टर्म्स हैं, बकरवाल अलग टर्म है, गुजर्स अलग टर्म है, बट अगर हम एथनोलिंग्विस्टिकली देखें तो एंथ्रोलॉजी में या ज्योग्राफी में जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज हैं, और ये दोनों अपनी हेरिटेज भी एक जगह से ट्रेस करते हैं, ठीक है, कॉमन फैमिली ट्री से ट्रेस करते हैं। तो यहां पर हम दोनों ट्राइब्स की इकट्ठे बात कर रहे हैं। इनको रीजनली अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहां पर इनको बकरवाल नाम दिया जाता है, या फिर वन गुजर नाम दिया जाता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में आए, उत्तराखंड में आए, तो वहां पर गुजर नाम जो है वो ज्यादा चलता है, बकरवाल नाम उतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है, ठीक है। तो बकरवाल दे आर अ नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब मतलब एक जगह सेटल्ड होकर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम्स में जितने भी नोमैडिक ट्राइब्स की हम लोग बात करेंगे, आपको ये ध्यान रखना होगा कि मॉडर्न टाइम्स में ये जो ट्राइब्स हैं ये भी हमारी डेवलपमेंट से अछूते नहीं हैं, हमारे तौर तरीकों से अछूते नहीं हैं, और इसके कारण ज़्यादातर ये जो ट्राइब्स नोमैडिक भी रहे हैं हिस्ट्री हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली, वो भी अब सेटल्ड होकर के एग्रीकल्चर करने लगे हैं, अपने विलेजेस बनाने लगे हैं, एक जगह रुक के एक जगह सेटल होके बसने लगे हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनली जो ट्राइब्स हमारे नोमैडिक होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, दिस आर स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस से लेकर के हिंदू कुश और हिमालयस, वहां पर आपको ये ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस है, इनकी प्रेजेंस ताजिकिस्तान नॉर्थन जो हिस्सा है, बिल्कुल ताजिकिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां तक आपको देखने को मिल जाती है। सिमिलरली पाकिस्तान का जो रीजन है, चाइना का जो रीजन है, और जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन है वहां पर भी आपको ये ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। दे आर ट्रेडिशनली गोट हर्डर्स एंड शेफर्ड्स, एंड दे माइग्रेट सीजनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर हर्ड्स, एंड ऑल्सो दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमंस।
ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमंस का क्या मतलब है? विस्थापित हो जाते हैं मौसम के हिसाब से। हमें पता है कि हिमालयस के अंदर जो सर्दी का मौसम आने वाला है, दैट इज द विंटर सीजन, उस विंटर सीजन में बहुत हार्श टेम्परेचर्स हो जाते हैं, टेम्परेचर्स बहुत कम हो जाएंगे, वेजिटेशन जो है वो भी बहुत कम अवेलेबल होगी क्योंकि बर्फ से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ढक जाता है। और इसकी वजह से इनकी, इन ट्राइब्स की जो बहुत बड़ी हर्डिंग पॉपुलेशन है, यानी कि जो कैटल हैं, इनके गोट्स हैं, शीप हैं, उनके लिए फूड ढूंढने के लिए, उनके लिए फॉडर ढूंढने के लिए इनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है। इसके कारण इन दी विंटर मंथ्स, जब सर्दी का समय आएगा, जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तब ये ट्राइब्स अपने पूरे हर्ड के साथ, अपने सभी जानवरों के साथ लोअर ऑल्टीट्यूड पे, कम हाइट वाली जगहों पर आ जाते हैं, यानी कि वैलीज में आ जाते हैं, फुटहिल्स में आ जाते हैं। और जब गर्मियों का सीज़न आता है, जब ये बर्फ़ पिघलती है और नई घास उगती है, नए प्लांटेशन, नई वेजिटेशन उगती है, तब ये ट्राइब्स हायर हिमालयाज में, हायर ऊंचे इलाकों में, पर्वत शिखरों के पास चले जाते हैं अपने जानवरों के साथ। ये जो पूरा फिनोमिना है, इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमंस। एक बहुत बड़े स्केल पे ह्यूमन पॉपुलेशन अलोंग विद देयर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है मौसम के हिसाब से, ठीक है, सर्दी और गर्मी के हिसाब से, तो इसको ट्रांसह्यूमंस बोलते हैं। अगर हम बात करें तो गुजर्स, बकरवाल ट्रांसह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं, गड्डी ट्राइब जो है हिमाचल के हमारे, वो भी ट्रांसह्यूमंस को प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि दोबारा से मैं स्ट्रेस कर दूं कि ये ट्राइब्स अब सेटल्ड होकर भी रहने लगे हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दे आर लिस्टेड एज एसटीज इन जे एंड के, लद्दाख एंड हिमाचल, जम्मू कश्मीर लद्दाख में और हिमाचल में ये ट्राइब्स हमारे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पे लिस्टेड हैं। फिर गड्डी ट्राइब्स की बात कर लेते हैं, अगेन ऑल्सो दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमंस, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, सेमी पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसिंग ट्राइब्स हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल तीनों, दो यूटीज और एक राज्य के अंदर इनको स्केड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है। और अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब है गड्डी ट्राइब, ठीक है जी। प्रिंसिपली भरमौरी जो रीजन है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर इन ट्राइब्स की अच्छी पॉपुलेशन मिलती है। और इस एरिया को पॉपुलरली गडेरा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जहां पर गड्डी ट्राइब्स रहते हैं, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे गड्डी ट्राइब्स, और हमने ऑलरेडी बात कर ली हमारे गुजर बकरवाल्स की। नेक्स्ट कम्स योर चांगपा और चांगमा ट्राइब्स। ये लद्दाख में रहने वाली एक पॉपुलेशन है, बहुत छोटी पॉपुलेशन का ट्राइब है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इस ट्राइब की नहीं है। सेमी नोमैडिक टिबेटन पीपल है, मेनली इन दी चांगटांग रीजन ऑफ लद्दाख, हाई ऑल्टीट्यूड पेस्टोरलिस्ट हैं। पेस्टोरलिस्ट का मतलब है कि अपने जानवरों के ऊपर डिपेंड करने वाले लोग हैं, लेकिन नोमैडिक नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा मूव नहीं करते हैं। लद्दाख के अंदर छोटे छोटे विलेजेस बना करके लोग सेटल होकर रहते हैं, एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं समर के सीजन में जब गर्मी आती है, और जब सर्दियों का सीजन होता है तब ये ज्यादातर अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो चांगपा के बारे में आपको ये पता होनी चाहिए कि चांगपा गोट्स, जिनको पश्मीना गोट्स भी बोला जाता है, पश्मीना का वूल, पश्मीना का जो ऊन है या वूलन फैब्रिक है, वर्ल्ड फेमस है फॉर इट्स क्वालिटी। और ये जो पश्मीना गोट है जिससे ये वूल ऑब्टेन होता है, उसको ट्रेडिशनली रियर करने का काम ये चांगपा कम्युनिटी करती है, और ये इनका एक हॉल टू फेम है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में इनको एसटीज का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। भोट एंड बोध ट्राइब्स, अलग अलग रीजन्स में भोट या बोध इनको नाम दिया जाता है, एथनो लिंग्विस्टिक ट्राइबल ग्रुप है, हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करता है, प्राइमरली लाहौल स्पीति में, भागा और चंद्रा की जो वैलीज हैं, चंद्रा भागा रिवर की जो वैलीज हैं, पट्टनी वैली, मियार वैली और पांगी वैली के हिस्सों में ये ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं। और हिमाचल में ही इनको स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इनकी प्रेजेंस ज्यादा नहीं है। इसके बाद बात आती है हमारे लाहौल ट्राइब, लाहौल स्पीति, जो हमारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो प्राइमरली ट्राइब्स बिलोंग करते हैं उनको लाहौल ट्राइब बोला जा रहा है। मिक्स ऑरिजिन के ट्राइब्स हैं एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ लाहौल, मोस्टली लाहौल वैली में, पाटन, चंबा लाहौल और लोअर मियार वैलीज में जो इनकी पॉपुलेशन है देखने को मिलती है। हिमाचल के अंदर ही इनको एसटीज का दर्जा मिला है, और किसी राज्य में इनको एसटीज का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस रीजन ऑफ लाहौल, दे प्रैक्टिस हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, और काफी सिमिलैरिटीज हैं। अगर कल्चर की बात करें तो कल्चरल सिंक्रेटिज्म बहुत अच्छा है इस रीजन में। ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग हैं बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, नहीं, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसमें से कुछ लोग बुद्धिज्म मानते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म मानते हैं, लेकिन कल्चर जो है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो पूजा पद्धति है, जो उनकी स्पिरिचुअल नेचर है, वो लगभग दोनों ही रिलीजन में सेम सा है, ठीक है। फिर स्वांगला ट्राइब्स, स्वांगला ट्राइब जो लाहौल स्पीति की कम्युनिटी, एक ट्राइबल ग्रुप है, पाटन वैली में ज्यादातर पाए जाते हैं, चंद्रभागा रिवर की वैली में, एंड मंछड़, चिनाली, भोटी और तिनानी, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं जिनको स्वांगला पीपल बोलते हैं। दे रिजेंबल द मुंडा स्पीकिंग ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि हिमाचल के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में, सभी में नहीं, अगर हम सिमिलैरिटीज देखते हैं तो काफी सिमिलैरिटीज हैं विद द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, राइट। और ये हमें बताता है कि पुराने समय में, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले, शायद इन ट्राइब्स के बीच में भी कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे। सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं, चाहे वो मुंडा बोलने वाले मुंडा ट्राइब्स हो, संथल ट्राइब्स हो, या फिर वो हमारे हिमाचल के हायर रेंजेस में मिलने वाले ट्राइब्स हो, इन
इनमें काफी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट कम्स योर किन्नौरास, जो कि किन्नौर जिले में पाए जाने वाले ट्राइबल ग्रुप्स हैं। प्राइमरली किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट में हमें ये लोग देखने को मिलते हैं, और ट्रेड हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इनकी इनकम का मेन सोर्स है। ये पेस्टोरलिस्ट ज्यादा नहीं है, नोमैडिक नहीं है, वेल सेटल्ड लोग हैं, और पॉलिटिकली और सोशली काफी डोमिनेंट भी हैं हिमाचल प्रदेश के रीजन में। इनको भी एसटी का दर्जा हिमाचल में मिला हुआ है। किन्नौरी लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं। टिबेटन स्क्रिप्ट यूज की जाती है इस लैंग्वेज को लिखने के लिए। टिबेटन लैंग्वेजेस से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, और इसी के साथ वेस्टर्न टिबेट, लद्दाख एंड इवन बाल्टिस्तान के रीजन में भी जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उनसे काफी सिमिलैरिटी है किन्नौराज की लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं दोस्तों इन दी नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भोटिया ट्राइब की। नाउ भोटिया ट्राइब इज अगेन अ वेरी लार्ज ट्राइबल ग्रुप जो पूरे हिमालयन रेंजेस में लद्दाख, हिमाचल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमें देखने को मिलता है। और ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है मेनली इसके बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, जैसे भोटिया ग्रुप जो हमें सिक्किम के राज्य में इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है भोटिया ट्राइब, ठीक है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फुटबॉल स्टार्स भी इस ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर आपने भाईचुंग भूटिया जी का नाम सुना हो, अ वेरी प्रोमिनेंट इंडियन स्टार एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू दिस ट्राइबल ग्रुप। एंड सिमिलरली उत्तराखंड में जो ये ट्राइबल ग्रुप मिलता है उसको उत्तराखंड भूटिया नाम दिया जाता है, खासतौर पे कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन जो है उत्तराखंड की, इसमें शौका ट्राइब, तोलचास, मरचास, ग्यागार खांपा, ये जो अलग अलग रीजन से मिलने वाले ट्राइबल ग्रुप्स हैं सारे बिलोंग करते हैं टू दी भोटिया ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट कम्स योर ज़ोंका स्पीकिंग एंगालोप ट्राइबल ग्रुप जो कि भूटान में मिलता है, ये भी भोटिया का एक इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है। अगेन ये भी जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारी भोटी या भोटिया लैंग्वेज है। प्राइमरली टिबेटन स्क्रिप्ट यूज की जाती है इस लैंग्वेज को लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट्स ऑफ इंडिया। और इन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में अब अपनी नॉलेज को हम लोग जो है थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, और उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर। लुक एट द क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी द सिमिलर जो आपको एचपीएस प्रीलिम्स में देखने को मिलने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमांस, कौन सा ट्राइब जो है वो ट्रांसह्यूमांस प्रैक्टिस करता है। ऑप्शन हम देख रहे हैं भील ट्राइब, चेंचू ट्राइब, खासी ट्राइब एंड बकरवाल ट्राइब। अब देखिए ट्रांसह्यूमांस मैंने आपको बताया ऐसा एक फिनोमिना है, मौसम के हिसाब से जो लोग अपनी लोकेशन चेंज करते हो उसको हम ट्रांसह्यूमांस बोल देते हैं। अब यहां पर भील ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल इंडिया का ट्राइब है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के छोटे से हिस्सों में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में हमें भील ट्राइब की अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। चेंचू ट्राइब हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो ईस्टर्न घाट्स के रीजन है वहां पर हमें चेंचू ट्राइब देखने को मिलता है। खासी ट्राइब हमें मेघालय में देखने को मिलता है, बहुत डोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप है। ये तीनों ट्राइबल ग्रुप ट्रांसह्यूमांस प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि जिन रीजन्स में रहते हैं वहां पर मौसम के हिसाब से इतना स्टार्क डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा क्या बनने वाला है, बकरवाल, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो बकरवाल हो सकता था या गुजर हो सकता था या गुजर बकरवाल हो सकता था, इसके साथ गड्डी ट्राइब्स भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी हमारा आंसर हो सकता था। ये जो हमारे ट्राइब्स जो हिमालयस में रहते हैं ये प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसह्यूमांस को, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में इनमें से कौन से ट्राइब का नाम इंक्लूडेड है। ऑप्शन है बाल्टी, मोन, चांगपा और भोट। अब मैंने आपको अभी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, इसमें हमने चांगपा की बात की। चांगपा ट्राइब्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश रीजन, वो सिर्फ लद्दाख के एक छोटे से हिस्से में देखने को मिलते हैं। मोन ट्राइब्स एंड बाल्टी ट्राइब्स आर ऑल्सो फाउंड इन द हायर रेंजेस ऑफ हिमालयाज इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जो बाल्टी ट्राइब्स हैं हमारे बाल्टिस्तान के रीजन को ज्यादा, उस रीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोन ट्राइब्स आर ऑल्सो फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द कराकोरम रेंजेस इन द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख प्रोविंसेस। लेकिन भोट या बोट ट्राइब्स जिसकी मैंने बात की, बोट ट्राइब्स, भोट ट्राइब्स, ये दोनों ट्राइब्स जो हैं एक ही ट्राइब का नाम है, अलग अलग नाम से इनको अलग अलग रीजन में जाना जाता है। दे बिलोंग टू दी एसटी लिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन अगेन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल इज सोर्स्ड फ्रॉम द चांगथांगी गोट, विच इज ट्रेडिशनली रियर्ड बाय विच ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स। जो पश्मीना वूल को ऑब्टेन करने का सोर्स है, जो गोट है चांगथांगी, वो किस ट्राइब के द्वारा रियर की जाती है। गड्डी ट्राइब्स, भोट ट्राइब, चांगपा ट्राइब और किन्नौराज। करेक्ट आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी अभी आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब भी आप उसको टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, सो दैट वी नो कि कितने लोग जो है सीरियसली इस प्रिपरेशन को ले रहे हैं, और हमें यह भी पता लगेगा कि कितने एस्पिरेंट जो है ध्यान से इस वीडियो को भी देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज वीडियो, एंड आई होप आप इसी तरीके से हमारे साथ स्थापना सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे और अपनी जीएस की तैयारी को स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स अपनी मजबूत करते रहेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए यहाँ पे इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।